अब मंत्रों के माध्यम से भी चिकित्सा हो सकती है, ऐसा ही एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाया है पंडित विजय रावल जी ने। हम उनसे जानेंगे कि किस प्रकार से इस एप्लीकेशन के माध्यम से व्यक्ति अपनी व्याधियों को दूर कर सकता है। आज हमारे साथ है पंडित विजय रावल जी, जो इस बारे में हमें संक्षिप्त रूप से पूरा बताएंगे। नमस्ते। किस तरह का आपने एप्लीकेशन बनाया? नहीं, ये मोबाइल एप्लीकेशन जो है मंत्र योग मेडिटेशन मोबाइल एप्लीकेशन, ये विश्व का पहला ऐसा मोबाइल एप्लीकेशन है जो कि वैदिक मंत्रों की स्वर ध्वनियों पर आधारित है। इसमें वैदिक मंत्रों की स्वर ध्वनियों को श्रवण करना और साथ में ओम का उच्चारण करना, उनसे जो रेजोनेंस क्रिएट होता है, वो रेजोनेंस जो है वही जीवन शैली जनित जितनी भी व्याधियाँ हैं, जैसे अपच है, आजकल दौड़ भाग की जिंदगी है, तनाव है, दुश्चिंता है और अवसाद है, लाइफ स्टाइल डिसीजेस में जैसे मधुमेह है, रक्तचाप है, इन सारी व्याधियों के लिए और भी कई प्रकार की स्मरण शक्ति है, इस प्रकार की स्मरण शक्ति का ह्रास हो जाना, ऐसी भी जो व्याधियाँ हैं, इन सब व्याधियों के लिए बहुत ही प्रभावी है। और वेद मंत्रों की ध्वनि को श्रवण करने से ही मेडिटेशन होना या ध्यान लगना, उसमें भी इससे सहायता होती है। गुरुजी, ये किस तरह का ऐप है, किस तरह से इसे डाउनलोड किया जा सकता है? मंत्र योग मेडिटेशन मोबाइल एप्लीकेशन जो ये है, ये एंड्रॉयड पे और iOS पर दोनों के लिए ये निःशुल्क उपलब्ध है। मंत्र योगा मेडिटेशन के नाम से ये गूगल प्ले स्टोर से निःशुल्क डाउनलोड किया जा सकता है। इसमें 24 प्रकार की ऐसी कैटेगरी हैं, 24 श्रेणियाँ हैं, उन श्रेणियों में अपच है, स्मरण शक्ति वृद्धि है, हेल्दी प्रेगनेंसी है और भी कई प्रकार की 24 कैटेगरीज हैं, वो बिल्कुल फ्री हैं, निःशुल्क हैं। उसको डाउनलोड करें, साथ में ओम का उच्चारण करना सीखें, उसका भी एक अलग से निर्देशन वाला वीडियो बना है। और साथ में ये ऐसा एक मोबाइल एप्लीकेशन है जो AI तकनीक पर आधारित है। 24 दिन के बाद लाभ होने पर, इस वीडियो को, इनके सारे वीडियो का श्रवण करने से, मंत्रों का श्रवण करने से लाभ होने के बाद, आप इसको अपने मनपसंद कस्टमाइज कैटेगराइज्ड प्लान भी इसमें बनाने की व्यवस्था है। अपने ज्योतिषी आधार पर, जन्म कुंडली के डिटेल के आधार पर ये मोबाइल एप्लीकेशन आपके लिए विशेष रूप से भी एक प्लान बना के देगा, जो आपकी व्याधियों के लिए, आपके मन के उन सब मैनिफेस्टेशन के लिए काम करेगा जो आप चाहते हैं। अब तक देखा जाता था कि किसी भी तरह की व्याधियां जब होती थी तो सभी लोग डॉक्टर के पास जाते थे, दवाइयां कर लेते थे और न जाने कितनी तरह की उसकी जांच होती थी, जिसके बाद इन व्याधियों को हल करने का पता चलता था। लेकिन ये जो ऐप है, ये किस तरह से काम करेगा, क्या ये जैसा आपने बताया अपच है या कोई ब्लड प्रेशर है, इस तरह की मंत्रों के माध्यम से किस तरह से इससे चिकित्सा होगी? देखिए, चिकित्सा शब्द जो है, ये चिकित्सा शब्द जो सर्जरी वाला या औषधियों पर आधारित चिकित्सा है, वो तो कॉम्प्लिकेटेड है, वो तो आगे की है, उसमें आजकल डॉक्टर्स लोग जांच वगैरह लिखते हैं, वो सारा एक अलग पद्धति है। इसमें जो है, इसको हम बोल सकते हैं अल्टरनेटिव थेरेपी, अल्टरनेटिव चिकित्सा। अब किसी को इनडाइजेशन है, किसी को थकान है, अवसाद है, इनका कोई मेजरमेंट नहीं है और ये सारी की सारी व्याधियाँ जीवन शैली जनित है। मधुमेह, जिसको डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि ये लाइफ स्टाइल डिसीज है, इसमें हमने मंत्रों को संयोजन किया है, अग्नि तत्वों के मंत्र को, भूमि तत्व के मंत्र को, जल तत्व के मंत्र को, उन मंत्रों से अग्नाशय स्टिमुलेट होता है, अग्नाशय को तरंगित करता है उसका स्पंदन, और ये मधुमेह में भी काम करता है। इस प्रकार 24 श्रेणियां हैं, उस 24 श्रेणियों में ये बिल्कुल, इसकी जो साउंड फ्रिक्वेंसीज है, वो साउंड फ्रिक्वेंसीज प्रकृति के आसपास की साउंड फ्रिक्वेंसी 432 हर्ट्ज को ट्रिगर करती हैं और ये 24 दिन में एकदम से व्यक्ति को रिलैक्स कर देता है, जो भी उस पर्टिकुलर व्याधि के अंदर, उस पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर उसका श्रवण करता है ओम के उच्चारण के साथ। क्या इस तरह का ये पहले भी बन चुका है या अभी आपने बताया कि इसको अभी लॉन्च किया गया है और इससे व्याधियों का जो निराकरण होगा, तो ऐसा कुछ इसके पहले भी ऐसे कुछ ऐप आ चुके हैं? देखिए, मोबाइल ऐप मेडिटेशन के, ध्यान के और तरह तरह की विद्याओं के बहुत सारे उपलब्ध हैं, लेकिन चूंकि वैदिक मंत्र, ये एक वैदिक स्कॉलर या जो गुरुकुल पैटर्न परंपरा से जो पढ़े लिखे वैदिक स्कॉलर पंडित थे, वही इसका उच्चारण कर सकते हैं, थोड़ा वो कॉम्प्लिकेटेड है। तो अभी तक हमारे सामने कोई वेद मंत्रों का इस तरह के श्रेणी में प्रयोग करने वाला, लाभ देने वाला ऐसा कोई मेडिटेशन ऐप या मंत्र योग का ऐप अभी तक तो उपलब्ध नहीं है, ये पहला ही है जो वैदिक मंत्रों पर आधारित है। आप तो इसके पहले तक पूजन पाठ करवाते थे और काफ़ी सारे अनुष्ठान आपने करवाए हैं उज्जैन में, तो इस तरह का ऐप बनाने के लिए आपको कैसे आया कि इस तरह का ऐप हमको बनाना चाहिए? देखिए, ये तो पिछले 20 साल का अनुभव लगा कि जब मंत्र को सुनने से हमको इतना आनंदित करता है तो उसका साइंटिफिक इंटरप्रिटेशन क्या हो सकता है। तो वैदिक, आजकल पूरी दुनिया, विदेशों में लोग योग कितना सीख गए, फ्लेक्सिबल जो योग शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, तो मन के लिए ऐसा क्या हो सकता है, माइंड के लिए ऐसा क्या हो सकता है।
क्योंकि मन ही हर चीज का कारण है। मन में यदि शांति नहीं, मन में आराम नहीं है, तो मंत्र योग का अर्थ ही है कि मन का योग। मंत्र योग जो है मन का योग है, और इसकी सारी दुनिया मन तक यानी शरीर के सूक्ष्म तक भाग तक जाती है। और ये साइंटिफिक इंटरप्रिटेशन भी, साइंस भी कहता है कि जो स्पंदन है, जो ध्वनि है, जो वाइब्रेशंस है, वो हर जगह इफेक्ट करते हैं और वही सब कुछ है। तो ये हमारे साथ थे पंडित विजय रावल जी, जिन्होंने इस ऐप को बनाया है। वे भी चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे डाउनलोड करें और इस ये जो ऐप बनाया गया है इसका लाभ लें, क्योंकि ये निःशुल्क है। अमर उजाला के लिए उज्जैन से नीलेश नागर की खबर। वो संस्थाओं में गुरु है, वहाँ पे लोग अपना टाइम भी देते हैं, अपना समय लगाते हैं, अध्ययन करते हैं, पठन पाठन, और बहुत एक फ्री माइंड से वो लोग अपना काम करते हैं। मैंने इसको ये विचार ध्यान में रखे हैं, इसका निर्मिति की है, वो विचार है कि कम से कम समय में हमारे सबके पास आज की मॉडर्न लाइफ में जितना समय उपलब्ध होता है, वो सारा समय हमको हमारे काम के लिए, हमारे अपनों के लिए और हमारे सपनों के लिए कम पड़ जाता है। हम दौड़ा भागी जिंदगी की सबके साथ इसकी लगी हुई है कि उनको अलग से एक घंटे दो घंटे कोई काम करें या पढ़े या किसी विषय से करके अपने शरीर में होने वाले जीवन शैली जनित व्याधियों से आराम मिल जाए। ऐसा कोई आराम का उनके पास तुरंत रिजल्ट देने वाला कुछ भी नहीं है, जो है वो थोड़ा समय लेने वाला है। ध्यान करें, योग करेंगे, सारी चीजों में समय लगता है, बड़ी बड़ी विधियां हैं। तो आज के समय में मॉडर्न लाइफ में फास्टेस्ट, सबसे ज्यादा इफेक्ट तुरंत देने वाला ऐसा क्या? और दूसरी चीज ये है कि एक चीज और अभी जिसका मुझे मोटिवेशन मिला, 2022 में हमने, आप सबके भी निगाह में आई होगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मेंटल हेल्थ की रिपोर्ट आई थी जो स्टूडेंट्स के लिए थी, विशेषकर मेंटल हेल्थ ऑफ स्टूडेंट। तो मेंटल हेल्थ ऑफ स्टूडेंट भी इस मॉन्स्टर के कारण थोड़ी डिस्टर्ब हो रही है। आप सब लोग भी समाचार दुनिया से हैं तो जानते हैं कि जितना इसका यूज़ हो रहा है, इसका यूज़ में अतिरेक मतलब ये अतिरेक की सीमा पार भी कर रहा है, कहीं इससे काम भी होता है। मैंने मेरे मित्र को बुलाना है आज किसी काम के लिए, भाई आ जाओ, तो बिना मोबाइल के मैं उसको बुला नहीं पाऊंगा। कभी मेरा ये बैठी हुए सुराना पैलेस ये लोकेशन है, आ जाओ, तो एक काम का भी है, मगर इसका अत्यधिक उपयोग भी स्ट्रेस बढ़ा रहा है, तनाव बढ़ा रहा है। मैं कुछ काम करूँ मेरे पे भी है, मैं भी स्टूडेंट और वेद का विद्यार्थी होने के नाते मीडिया से संबंधित है, हम लोग एक चीज़ बहुत कॉमनली देख रहे हैं, जीवन शैली जनित व्याधियाँ सबको ग्रसित करती जा रही, चाहे हम माने या नहीं माने। कोई हाउस वाइफ है, कोई स्टूडेंट है, कोई जॉब में है, कोई बिजनेस में है, कोई व्यापार कर रहे हैं, तरह तरह के काम और आयाम हमारी जिंदगी में चलते हैं। भारतीय सिविलाइजेशन का एक बहुत बड़ा जो अंग है, रोड का अर्थ ये हुआ कि इससे बहुत ज़्यादा साइंटिफिक काम, अभिहरण पाठन और धर्म से जोड़ करके ही इसको ज़्यादातर देखा गया है। वैदिक विज्ञान, वेदों में क्या, लेकिन विदेशों में इस पर बहुत रिसर्च हो रही है। जैसे हम देख रहे हैं योगा, योग पे पूरी दुनिया ने काम किया है। आज हमारे यहाँ इंडिया में जितने लोग अच्छे योगासन करते हैं, इतने अच्छे योगासन करने वाले हमको विदेशी मिल जाएंगे, क्योंकि वो लोग उसको एकदम जेन्युइनली लेके उस पर काम करने लग जाते हैं। चित्त वृत्ति निरोध है कि चित्त का वृत्ति का निरोध हो जाए, आध्यात्मिक चिंतन बढ़ जाएगा, लेकिन उसकी नहीं के एक किसी को ट्रांसफर कर देगा, ये कोई ब्लेसिंग्स की तरह तो होता नहीं है। हम सब क्योंकि जागरूकता के परम अवस्था में रह रहे हैं, हम लोग सब आजकल सोशल मीडिया के कारण, इंटरनेट के कारण और विज्ञान के बढ़ते हुए स्वरूप। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।